गुड इवनिंग <coughs> <coughs> कैसे हैं आप लोग कमेंट mm, कीजिए आवाज़ वगैरह सब क्लियर है ना कमेंट वगैरह सब कीजिए सही है कि नहीं और जैसे कि आज हम लोग का सोलहवा क्लास है गुड इवनिंग प्रशांत तो आज हम लोग जो है स्टार्ट मतलब जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक पूरा टॉपिक खत्म करना है मस्त है <laughs> मेरा ही तबीयत नहीं सही होता है आँख वाँख पूरा सूजा हुआ रहता है <clears throat> सर्दी बहुत हो गई है चलो ठीक है ऊपर वाले से दुआ कभी मेरे लिए भी कर लिया कीजिए आप लोग की मेरा भी तबियत सही हो ठीक है चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है एंसियंट हिस्ट्री कौन सा एनशियंट हिस्ट्री के बहुत सारा टॉपिक पढ़े हैं और आज जो है हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के मोटिवेशनल कॉटेज से स्टार्ट करते हैं <laughs> बहुत जल्दी बहुत जल्द तक हो जाएगी आप में क्या लिखे हैं लिखा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो अगर आपने कोई एम बना लिया है कोई गोल बना लिया है कि मुझे जो है बीपीएससी बीपीएससी क्रैक करना है अगर आपने मंजिल बना लिया है कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है बिहार एसआई, SI, बिहार एसआई SI क्रैक करना है या फिर कोई भी एग्जाम जो भी आपका गोल हो कोई भी एग्जाम्स अगर उसका जो है अगर आपने एम बना लिया है क्या चीज? एम बना लिया है तो आपका मंजिल तो वही है भाई क्या है आपका मंजिल वही है तो इसीलिए बोला जाता है उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपना मंजिल प्राप्त ना हो जाए क्योंकि मेरा मंजिल तो है नौकरी लेना मेरा मंजिल है बीपीएससी निकालना तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मेरी मंजिल ना प्राप्त हो और उसके लिए हम लगातार हार्ड वर्क करेंगे ये नहीं लगातार हार्डवर्क करेंगे ठीक है ये ध्यान में रखना है लगातार हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी जाके आपको सफलता मिलेगी अब ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मंजिल मेरा बीपीएससी क्रैक करना है और हम रुकेंगे नहीं फॉर्म भरते जाएंगे भरते जाएंगे एग्जाम देते जाएंगे और हम पढ़े नहीं हम सुतल रहे। ऐसे में भी मंजिल प्राप्त नहीं होगी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमार हमको या मेरे को या अपने को क्या करना है लगातार वर्क करना है और लगातार ये ढूंढना है कि कहाँ पे कमी हो गई जो हमसे एग्ज़ाम नहीं निकला कौन सी सब्जेक्ट में मेरी मिस्टेक हो गई जहाँ से कि क्वेश्चंस आ रही थी और मेरा नहीं बन पाया और एग्जाम नहीं निकल पाया इसी सारे शब्दों के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं मतलब टॉपिक पे आते हैं तो आज जो है हम लोग अपने एनशियंट हिस्ट्री में और ये सारा क्लास का फीचर्स है जैसा कि आपको पता है कि लाइव क्लासेस हम आपको लेते हैं ऐसा भी नहीं भाई कि हम आपको रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं ये एकदम सत्य है रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल रहती है अगर आप क्लास किसी बाय चांस मतलब किसी कारणवश अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड की जाती है डाउट सेशन जो भी आपका डाउट होता है मैं आपको डाउट भी क्लियर करती हूँ डेली रिवीजन भी हम करवाते हैं पी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आपको एनालिसिस हम करवाएंगे ठीक है और मात्र मात्र इस कोर्स का फी है 119 जो कि 199 ठीक है जो कि ये पूरा जो है आपका जीके कवर करता है ठीक है आर्ट्स का कौन सा आर्ट्स का और अगर आप कॉम्बो लेते हैं अगर आप कोम्बो लेते हैं तो ये आपका दो में पड़ता है जो कि आपको आर्ट्स एंड साइंस दोनों पढ़ाया जाता है ठीक है प्लेटफॉर्म ऐप पे ये सारी सुविधाएं हैं बाकी हम जो है अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और आज जो है हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आज हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे ठीक है ये समझना है क्या चीज पढ़ेंगे, गुप साम्राज पढ़ेंगे. गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे अब गुप्त साम्राज्य जो है जिस प्रकार से हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़े उसी प्रकार से हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं और सबसे पहले जो है आप ये देखिएगा कि गुप्त साम्राज्य को ही हम लोग गोल्डन क्या बोलते हैं गोल्डन पीरियड बोलते हैं ठीक है गोल्डन जो है गोल्डन पीरियड बोला जाता है ठीक है स्वर्ण काल बोला जाता है किसको? किसको स्वर्ण काल बोला जाता है गुप्त काल को गुप्त काल को क्यों भाई क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई बहुत सारी टेक्नोलॉजी की खोज होती है बहुत सारे डेवलपमेंट होता है इसीलिए हम लोग जो है इसको गोल्डन पीरियड के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं अब सबसे पहले समझना है आपको कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था संस्थापक इसको या प्रथम शासक कौन था तो ध्यान में रखना है श्रीगुप्त थे कौन थे ये जो है आपके प्रथम शासक थे कौन से थे प्रथम जो है शासक थे और उसके बाद आपका आता है घटोत्कच घटोत्कच और सूर्यगुप्त जो होते हैं ये दोनों गुप्त साम्राज्य का सामंत शासक होते हैं क्या होते हैं ये दोनों जो हैं आपके ये कौन होते हैं सामंत शासक होते हैं क्या होते हैं सामंत शासक होते हैं अब सामंत शासक किसको बोलते हैं तो आपको पता है सामंतकालीन व्यवस्था चलती थी क्या चीज जैसे सामंत मतलब एक प्रकार का जमींदार होता है जो कि बहुत सारे जमीन के वो जमींदार होते हैं सेना ओना राजा को प्रोवाइड करती है ठीक है ये सारी चीजें आप इसी को बोलते हैं सामंत व्यवस्था ठीक है ये सारी यही सारी चीजों को बोलते हैं सामंत एक जैसे कि एक कोई राज्य है उसका मालिक किसी को बना दिया गया भाई यहाँ का संरक्षण आप कीजिए और बाकी अगर कुछ राजा को किसी चीज की सेना की जरूरत होगी किसी और चीजें की जरूरत होगी तो आप राजा को दीजिएगा तो इसीलिए इसको तो निर्माण करता था ठीक है यहीं से तो ध्यान में रखना है कि श्रीगुप्त और घटोत्क जो है ये प्रथम शासक थे और ये जो है सामंत शासक के रूप में कहलाते हैं उसके बाद आपका आता है चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक मानते हैं क्या मानते हैं इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है हम लोग मानते हैं ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखना है वास्तविक संस्थापक तो अगर आपसे पूछे कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था तो श्रीगुप्त और अगर पूछे कि क्या पूछे कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम बोलते हैं क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम बोलते हैं और आज जो है हम लोग गुप्त साम्राज्य को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका गुप्त साम्राज्य से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा ये मेरी गारंटी है क्या है गुप्त साम्राज्य से अगर एक भी क्वेश्चन छूट नहीं छूटेगा ये मेरी गारंटी है आप लोग अच्छे से पढ़ो ठीक है अब देखो यहाँ पे फिर देखो पहले सूर्यगुप्त फिर घटोत्क चंद्रगुप्त प्रथम फिर समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त कुमारगुप्त स्कंदगुप्त विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त जो होते हैं ये अंतिम होते हैं क्या होते हैं ये अंतिम शासक होते हैं क्या होते हैं ये अंतिम शासक होते हैं ठीक है ये, ये चीज आपको ध्यान में रखना है अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ठीक है अब देखो गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे किसके कुषाणों के सामंत थे कुषाण का स्थापना कुशान वंश कुशान के स्थापना जो कुशान के जो जैसे कि कनिष्क हो गए ये कौन थे कुशान से संबंधित थे थे ना तो ध्यान में रखना है कि गुप्त शासक जो है कुशाणों के सामंत थे किसके कुशानों के सामंत जिस प्रकार से ही हम आपको बताएं कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक शासकुप्त था और उसके बाद उसका बेटा घटोत्कच आता है ये दोनों जो होता है किसान कुसान का सामंत हुआ करता था ठीक है और फिर जो है ये सामंतवाद से स्वतंत्र चंद्रगुप्त प्रथम करता है और उसके बाद वास्तविक संस्थापक बनता है आपका किसका गुप्त साम्राज्य का गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है क्या चीज से वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है ठीक है ये ध्यान में रखना। वैश्य जो कि एक व्यापारी व्यापारी लोग होते थे उन्हीं वही जो है समझता है वैश्य से संबंधित माना जाता था संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त श्रीगुप्त ने जो है महाराजा की उपाधि क्या किया था अर्जित किया था क्या हासिल किया था क्या चीज की महाराजा की उपाधि फिर आपका देखिए ताम्रपत्र अभिलेख और देखो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि श्रीगुप्त के किस अभिलेख से इसको महाराजा का नाम का जिक्र होता है तो ध्यान में रखना है ताम्रपत्र अभिलेख से क्या नाम से कि श्रीगुप्त जो है ताम्र पत्र का जो अभिलेख है इस अभिलेख में पता चलता है कि श्रीगुप्त ने जो है अधिराज की उपाधि धारण की थी क्या चीज की अधिराज की उपाधि धारण की थी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखिए आप क्या है प्रमुख शासक अब जो है प्रमुख शासकों के बारे में बारी बारिश वर्णन है आपको ये समझना है सबसे पहला शासक जो है वास्तविक संस्थापक आपको अभी बताएं चंद्रगुप्त प्रथम थे कौन थे चंद्रगुप्त प्रथम थे ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है अब चंद्रगुप्त प्रथम ये कौन है वास्तविक संस्थापक है कौन है भाई तो ये जो है आपके वास्तविक संस्थापक थे ये चीज ध्यान में रखना है ये वास्तविक संस्थापक थे और ये जो है कब से कब तक 319 एडी से 334 एडी तक शासन करते हैं ठीक है अब देखो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र शासक एक बात ध्यान में रखना कि जब सूर्यगुप्त और घटोत्कच जो होते हैं वो सामंत शासक होते हैं और सामंत जो वो जो वो शासक थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे उनको जो है है अपने राजा के अधीन काम करना पड़ता था ठीक अगर वो बोल दे भाई सेना देना है तो सेना तुमको देना पड़ेगा क्योंकि आप सामंत शासक हैं लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये जो है सामंत से स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने जो है क्या बोलते हैं साम्राज्य का स्थापना करता है तो ध्यान में रखना है वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र शासक अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था तब हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम फिर देखिए लिच्छवी राजकुमारी कुमारी, कुमारी देवी से इन्होंने विवाह किया ठीक है इनकी धर्म पत्नी लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी थी ठीक है फिर आपका देखिए महाराजा धीराज किन्ों उपाधि प्राप्त किया किसकी महाराजा धीराज किन्ों और इन्हीं के द्वारा ये जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था कब जब इन्होंने तीन उन्नीस में कब तीन सो उन्नीस ईस्वी में ध्यान में रखना है 319 सौ ईस्वी में एडी में जब इन्होंने राज्य अभिषेक किया तो राज्य अभिषेक के ही समय जो है गुप्त शमत की शुरुआत की थी क्या चीज की गुप्त शमत की शुरुआत की थी तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त शमत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया तो चंद्रगुप्त किसके द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया ठीक है और अगर आपसे आए क्या चीज शक समत किसके द्वारा शुरुआत की गई थी तो शक समत की शुरुआत आपको कनिष्क के द्वारा किया गई थी की गई थी तो ध्यान में रखना समत तीन है विक्रम शक और आपको क्या है गुप्त तो गुप्त समत की शुरुआत जो है जब ये राजभिषेक तीन सौ उन्नीस ईस्वी में कर रहे थे उसी टाइम इन्होंने गुप्त शमत की शुरुआत की थी ठीक है क्लियर होगा तक नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए देखिए आपका उसके बाद का जो शासक समुद्र गुप्त आते हैं कौन आते हैं समुन्द्रगुप्त आते हैं और समुद्र गुप्त जो है तीन सौ पैंतीस ईस्वी में शासक बना क्योंकि तीन सौ उन्नीस से पैंतीस तक तो वही रहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम रहते हैं फिर आपका देखिए इन्होंने उपाधि जो है प्राक्रमांक की उपाधि परम भागवत एक बात ध्यान में रखना है कि कविराज कविराज समुद्र गुप्त जो थे ये एक कवि भी थे ठीक है इनको वीणा से भी बहुत प्यार था ठीक है ये इनको ये कविता लिखते थे इसलिए इन्होंने कविराज की उपाधि धारण किया इनको जो है परम भागवत की उपाधि प्राप्त थी गुप्त साम्राज्य में परम भागवत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शासक समुद्रगुप्त गुप्त थे एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा था रेलवे का जो आरपीएफ में जो एस वाला जो होता है ठीक है ये इसमें जो है ये पूछा था कि परम भागवत की उपाधि किसके द्वारा तो ये जो है प्रथम प्रथम जो है कौन थे प्रथम उपाधि करता थे ये परम भागवत की जो उपाधि करता ये प्रथम थे कौन समुद्रगुप्त ठीक है ये कविराज की उपाधि क्यों करते थे क्योंकि ये जो है कविता लिखते थे क्या करते थे ये कविता लिखते थे इसलिए इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की अश्वमेघ यज्ञ करते थे इसीलिए इन्होंने कर्ता की उपाधि धारण किए फिर देखिए लगभग 20 शासकों को पराजित किया ठीक है लगभग 20 शासकों को पराजित किया इसलिए भारत का नेपोलियन भी इनको कहा जाता है ठीक है भारत का नेपोलियन जी जिस प्रकार से कि नेपोलियन ने बहुत सारे राज्यों को हरा के एक जो है सर्वश्रेष्ठ राजा बनना चाहता था सर्वश्रेष्ठ शासक बनना चाहता था तो इसीलिए अस्मित के द्वारा किसके द्वारा विशेंट स्मिथ के द्वारा जो है भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहा गया है क्योंकि समुद्र गुप्त ने भी बीस राज्यों को पराजित किया था ठीक है अगर फिर ऐसा कोई शासक हो जो कि बीस राज्यों को पराजित कर करेगा तो फिर उसको नेपोलियन की उपाधि दे दी जाएगी तो ठीक है तो ध्यान में रखना इसको नेपोलियन की उपाधि क्यों दी गई क्योंकि यह जो है बीस राज्यों को पराजित किया था बीस राज्यों को जो है पराजित किया था ध्यान में रखना है ये चीज और विशेंट स्मिथ इनको उपाधि कौन दिया है तो विशेंट स्मिथ एक अंग्रेज थे जिसके द्वारा इसको उपाधि दी गई है फिर देखिए दरबारी कवि इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिसका नाम है हरिसेन दरबारी कवि कौन थे हरिसेन थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की कौन सी जिसको प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना करते हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इलाहाबाद प्रशस्ति किससे संबंधित है तो ध्यान में रखना है ये समुद्रगुप्त गुप्त से संबंधित है किससे समुद्र गुप्त से संबंधित है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किया गया तो हरिसेन के द्वारा किया गया पहला तो किसके द्वारा किया गया हरिशेन के द्वारा किया गया हरिशेन कौन था तो हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे क्या थे हरीशेन ये जो है समुद्रगुप्त के किसके ये जो है आपके समुद्रगुप्त के समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ठीक है समुद्र गुप्त के दरबारी कवि थे इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति का रचना किया है अब देखो अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए समुद्र गुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की गई है ये किस भाषा में थी तो ध्यान में रखना है ये भाषा संस्कृत में थी कौन सी भाषा का इन्होंने यूज किया तो संस्कृत भाषा का ही का यूज किया अगर लिपि की बात करें तो ब्रह्मी लिपि का यूज किया देखो भाषा अलग होता है लिपि अलग होती है जिस प्रकार से अगर हम यहां पे लिखते है, है, तो है भाषा एक इसका भाषा लिख सकते हैं एक यहाँ पे लिपि होती है एक भाषा होती है एक लिपि होती है इसके बारीकियों को समझना है अगर भाषा पूछे तो भाषा ये इंग्लिश हो जाएगा भाषा क्या है भाषा इंग्लिश है और अगर लिपि पूछे तो लिपि आपकी देवनागरी है लिपि आपकी क्या है देवनागरी है ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखना तो अगर आपसे पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी तो संस्कृत में थी क्या चीज संस्कृत में लेकिन अगर पूछे स्क्रिप्ट कौन सा यूज उन्होंने किया था तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उन्होंने यूज किया था और किस शैली में लिखा गया था यानी कि एक होता है गद्य शैली एक होता है पद्य शैली तो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया था और इसी को बोला जाता है चंपू शैली जब गद्य और पद्य दोनों मिला के लिखा हुआ हो तो उस शैली को बोलते हैं चंपू शैली क्या बोलते हैं उस शैली को चंपू शैली तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि चंपू शैली किसको बोलते हैं तो गद्य और पद्य जब दोनों मिला के लिखा जाता है किसी भी चीज को तो उसी को बोलते हैं चंपू शैली चंपू शैली और चंपू शैली और दू दूसरी बात किसके द्वारा लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति तो समुन्द्र गुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन जी थे उन्होंने लिखा है किस भाषा में लिखा है भाई तो संस्कृत भाषा में किस लिपि में लिखा है तब क्या बताइएगा आप लोग लिखो भी किस लिपि में तो ब्राह्मी लिपि में ठीक है देखो इनको जो है ये बहुत ही प्रतापी राजा थे कौन समुद्रगुप्त गुप्त इनको ये वीणा भी बजाते थे क्या बजाते थे वीणा भी बजाते थे ठीक है सरस्वती माँ का जो वीणा है ये वीणा भी बजाते थे तो अब इन अब देखो अब कैसे पता चला भाई हम लोग तो थे नहीं उस टाइम तो कैसे पता चला भाई कि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे इसीलिए कि समुद्रगुप्त ने जो समुद्रगुप्त के टाइम में जो सिक्का मिला है जो सिक्का मिला है उसमें उन्होंने वीणा बजाते हुए चित्र का उसमें अलंकरण किया है इसीलिए पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो संगीत से भी रुचि रखता था और संगीत में वो किस वाद्य यंत्र का यूज करता था तो वीना का यूज करता था किसका तो ध्यान में रखना है जो सिक्कों पर वीना वादन से पता चलता है कि वह एक संगीत प्रेमी था और अगर पूछे कि वो कौन सा यंत्र यूज करता था इंस्ट्रूमेंट कौन सा तो ध्यान में रखना है वीणा कौन वीना ठीक है तो ये सारी चीजें उस टाइम के सिक्कों से पता चलता है उस टाइम के स्क्रिप्ट से पता चलता है ठीक है क्लियर हो गया होगा आई थिंक चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं नेक्स्ट आपका है समुद्र गुप्त का एरन अभिलेख समुद्र गुप्त के जो एरन अभिलेख है ठीक है समुद्रगुप्त गुप्त का जो एरन अभिलेख है उससे क्या पता चलता है कि उन्होंने अपने दत्त देवी उनकी पत्नी दत्त देवी थी ठीक है और एरन जो समुद्र गुप्त का भोग नगर था ठीक है एरन समुद्र गुप्त का भोग नगर था ध्यान में रखिए ना है एरन अभिलेख जो है एरन जगह जो है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और वो जो है काफी प्रिय था समुद्र को इसीलिए उसको जो है ये क्या बोलते थे तो भोगनगर बोलते थे तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए समुद्रगुप्त का भोगनगर कौन था तो एरन था कौन था एरन था ठीक है अब देखो अब नेक्स्ट शासक चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं कौन आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं और चंद्रगुप्त सेकंड जो है 380 ईस्वी में शासक बनते हैं कब बनते हैं 380 ईस्वी में शासक बनते हैं और गुप्त काल का ये स्वर्ण काल कहा जाता है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ऐसे भी तो गुप्त काल को गोल्डन पीरियड बोलते हैं ठीक है लेकिन अगर पूछे कि गुप्त काल में किस शासक के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है तो क्या बोलेंगे कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को गोल्डन एज बोलते हैं क्या बोलते हैं गोल्डन एज बोला जाता है ठीक है यह चीज ध्यान में रखना है उपाधि की धारण की तो विक्रमादित्य की उपाधिटेंट है।, है, है तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि किसको हराने पे तो सकों को हराने पे जब सकों को हरा दिए तब इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि की अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो को शकों को हराने के बाद किसको हराने के बाद शकों को हराने के बाद ठीक है फिर देखो परम भागवत की देखो सबसे पहली बार समुद्र गुप्त के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय भी परम भागवत की उपाधि धारण किए हैं ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखना उज्जैनी पूर्वाधीश्वर उज्जैन विजय के बाद इन्होंने धारण किया फिर देखो राजधानी देखो इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी ठीक है गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैन थी यानी कि इसकी दो राजधानी हुआ करती थी एक राजधानी इनका पाटलिपुत्र था और दूसरी राजधानी इसका उज्जैन था ठीक है चलो नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध के माध्यम से ही अपने को विस्तार किए नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग से इन्होंने विवाह किया उनकी पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किसके द्वारा तो वाक्टक शासक रुद्रसेन द्वितीय के द्वारा से किया गया ठीक है फिर चीनी या अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है फाहियान चीनी यात्री एक फाहियान होते हैं ध्यान में रखना है चीनी चीनी यात्री यात्री से से ये चीन से आते हैं हैं कौन होते है, मेरे दोस्त तो फाहियान होते हैं कौन होते हैं फाहियान होते हैं ये किसके दरबार में आते हैं के दरबार में आते हैं तो ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय किसके दरबार में आते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में आते हैं ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आते हैं दरबार इनके दरबार में नवरत्न इनके द, इनके ही दरबार में इनके ही दरबार में नवरत्न का चर्चा है नव रत्न का चर्चा है रत्न का चर्चा है ठीक है ये चीज भी आपको क्या करना है ध्यान में रखना है इन्हीं के दरबार चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में फाहयान आते हैं ठीक है और उन्होंने कौन सा बुक का नाम लिखा आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाद में इसको हम बताएंगे और दर और इनके ही दरबार में नवरत्न रहते थे मतलब तो तो नौ चीजों से महारत हासिल करने वाले रत्न होते थे ठीक है यानी कि बहुत बड़े विद्वान रहते थे बहुत बड़े ज्योतिष थे ये सारे रत्न थे ठीक एक पढ़ा लिखा आदमी एक सब कुछ में पी करने वाला आदमी एक रत्न ही होता है ठीक है फिर आपका देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न होते थे जिसमें देखिए कालिदास इन्हीं के दरबार में सर्व प्रमुख कालिदासन सबसे ज्यादा नवरत्न में सब सर्व सर्व, सर्व आ, क्या उसे प्रमुख कालिदास थे, जिनके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था ठीक है फिर आपका देखिए धनवंतरी चिकित्सा के जनक फिर आपका देखिए वारा खगोल शास्त्री तथा ज्योतिष हुआ करते थे अमर सिंह फिर देखिए शंकु वास्तुकार घटपर वरुची ये सारा ये तो नाम सुने होंगे कालिदास धनवंतरी वारामीर वारा अमर सिंह ये सारे चंद्रगुप्त द्वितीय के ही नवरत्न हुआ करते थे उनके दरबार में ये रहते थे फिर देखिए विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक था ठीक है ये ध्यान में रखना है जो है विशाखा दत्त के अनुसार जो देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखा गया है तो विशाखा दत्त के द्वारा किसके द्वारा विशाखा दत्त के द्वारा और विशाखा दत्त के द्वारा ये लिखा गया है और इन्हीं क्या चीज इसको बोलते हैं और इन्हीं से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद रामगुप्त शासक बनते हैं ठीक है फिर आगे देखिए कुमार गुप्त प्रथम उन्होंने फिर देखिए कुमार फिर उसके बाद कुमार गुप्त का जो है जो सब जो मतलब प्रमुख जो शासक थे उसी के बारे में चर्चा है यहाँ पे ध्यान में रखना है उपाधि इन्होंने महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की कौन कुमार गुप्त शकादित्य की उपाधि धारण की अभिलेख गुप्त शासकों से इनको पता चलता है ठीक है नालंदा विश्वविद्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि कहाँ पे पड़ता है बिहार में पड़ता है कहाँ पे बिहार में पड़ता है जो उस टाइम के सबसे प्राचीन यानी कि भारत के प्राचीन जो है भारत के कहाँ के भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था कौन सा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था ध्यान में रखना है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ का भारत का ध्यान में रखना है भारत का पूछे तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय लेकिन उस टाइम अगर पूरे विश्व का पूछे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा जो आपको पाकिस्तान में पड़ता है ठीक है बौद्ध से संबंधित यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी ध्यान में रखना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था जो कि गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे उपाधि इन्होंने कर्मादित्य का भी धारण किया देखो अब यहाँ पे जो है सुदर्शन झील का ये पुनरुद्धार किया सबसे पहले जो है सुदर्शन झील से बहुत सारे शासक जुड़े हुए हैं किससे ध्यान में रखना है सुदर्शन झील किससे सुदर्शन झील से संबंधित सबसे पहले जो है सुदर्शन झील का जो है सबसे प्रथम बार सबसे प्रथम बार निर्माण जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य चंद्र एक मिनट क्या लिखना है चंद्रगुप्त चंद्र गुप्त मौर्य मौर्य के शासन काल में हुआ था इसी का एक राज्यपाल था इसका कौन राज्यपाल था पुष्यगुप्त कौन था पुष्यगुप्त इसी के द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद इसका जो इससे जो है अशोक भी जुड़ते हैं अशोक के द्वारा भी इसका जो है पुनर्निर्माण किया गया ठीक है पुनर्निर्माण किया गया ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा अशोक के द्वारा भी निर्माण इसका किया गया और फिर देखिए सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है आपके अस्कंद गुप्त के भी द्वारा किया गया किसके द्वारा अस्कंद गुप्त के द्वारा भी किया गया पर्ण दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया ठीक है हुन, देखो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछे गुप्त सम्राट का कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में हूनो का आक्रमण हुआ तो ध्यान में रखना अस्कंद गुप्त के ही टाइम में हून का आक्रमण हुआ क्या चीज का हून का आक्रमण हुआ ठीक है ये चीज आपको समझना है फिर आपका देखिए मिलावट वाले सिक्के देखो आपको पता है कि सबसे ज्यादा सोना के सिक्का का ढलान जो है आपके इसी के काल में किया गया गुप्त साम्राज्य के काल में ही किया गया लेकिन जब अस्कंद आप देखो अस्कंद गुप्त का जब शासन आता है तो इसमें सोने के सिक्कों में मिलावट आने लगती है क्या आने लगती है मिलावट आने लगती है तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गुप्त शासक जो है गुप्त साम्राज्य जो है अब डिक्लाइन में हो गई क्योंकि सोना कम गया भाई तो सोना कम गया तो भाई तो सिक्का का ढलान तो करना है तो चलो सोना में कुछ और मेटल्स मिला देंगे जिसके चलते जो है पता चलता है कि स्कंद गुप्त के समय आते आते जो है गुप्ता साम्राज्य जो है गुप्ता एम्पायर जो है डिक्लाइन की ओर प्रस्थान कर गई थी ठीक है डिक्लाइन हो रही थी जिसके चलते सिक्कों में मिलावट करना पड़ गया आप कहीं के रुपया कहीं के करेंसी से कहीं के सिक्के से किसी साम्राज्य के सिक्के से या फिर किसी देश की करेंसी की क्या उसको बोलते हैं पावर से आप पता कर सकते हैं की अर्थव्यवस्था कैसी होगी वहां की अर्थव्यवस्था कैसी होगी जिस प्रकार से कि डॉलर लगातार रुपया से आगे उछाल रहा है तो इससे हम समझ में आता है कि अमेरिका की जो है अर्थव्यवस्था जो है हमारी अर्थव्यवस्था से स्ट्रॉन्ग है हमारी अर्थव्यवस्था से अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग कहाता है रुपया और डॉलर के कंपेयर से पता चलता है ठीक है।, है उसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य के गुप्त के समय में जो सिक्के में मिलावट हो होने लगी इससे हम लोगों को पता चलता है 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 कि गुप्त के शासन से जो जो गुप्त कालीन साम्राज्य वो डिक्लाइन की ओर प्रस्थान कर गई थी और धीरे धीरे ये डिक्लाइन की ओर अग्रसर हो रही थी ठीक है ध्यान में रखना है नेक्स्ट देखिए उसके बाद भानुगुप्त आते हैं भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ज्ञात होता है है कि भानु गुप्त का सेनापति गोप राज हुनों का हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया ठीक है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए हुन का आक्रमण जो है अस्कंद गुप्त के ही शासनकाल से प्रारंभ हो गया और लास्ट में भानु गुप्त आते हैं भानु गुप्त जो है हुनों के आक्रमण से ये क्या हो मारा गया ठीक है इसकी उ... उसकी पत्नी भी सती हो गई क्योंकि उस टाइम सती प्रथा थी एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सती प्रथा का प्रथम जो है प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है तो एरन अभिलेख से मिलता है कहाँ से एरन अभिलेख से मिलता है और ये आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसके बाद जो है अंतिम शासक आपके विष्णुगुप्त होते हैं तो ध्यान में रखना है भानुगुप्त को हून मार देता है इसकी पत्नी सती हो जाती है फिर इनका बेटा जो है विष्णुगुप्त शासक बनता है और उस ये जो है आपके अंतिम शासक होते थे कौन होते हैं अंतिम शासक होते हैं तो ध्यान में रखना गुप्त शासक से संबंधित आपकी उपाधियां से क्वेश्चन आएंगे आपकी शासक के क्रोनोलॉजी से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा ये चीज हम समझ लेते हैं देखो गुप्त साम्राज्य की किससे गुप्त साम्राज्य के जो है आपके संस्थापक से क्वेश्चन आएगा किससे संस्थापक से क्वेश्चन आएगा ठीक है दूसरा नंबर आपके उपाधि से यहां से क्वेश्चन आते हैं क्या चीज से उपाधि से फिर आपके जो है अभिलेख से क्वेश्चन आएंगे तीसरा नंबर में आप आता है नवरत्न जो है कौन सा नवरत्न जो है इनके द्वारा जो बुक वगैरह जो लिखी गई है इससे क्वेश्चन आता है फिर आपका क्वेश्चन आएगा चीनी यात्री चीनी यात्री जो आया था चंद्रगुप्त के कार्यकाल में उसके बारे में लिखा गया आएगा फिर यहीं से बिलोंग करता है आपका नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है आपका आने की संभावना होती है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके नवरत्न से आएंगे संस्थापक और उपाधि जो है ज़्यादा यहाँ पे उपाधि प्राप्त करते हैं गुप्त साम्राज्य में तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं अब यहां से जो है केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज केंद्रीय प्रशासन के बारे में केंद्रीय प्रशासन से जो है जिस प्रकार से कि मौर्य साम्राज्य में केंद्र को पांच प्रांतों में विभाजित किया गया है यहाँ पे ऐसी कोई मतलब सटीक जानकारी नहीं है कि यहाँ पे कितने भागों में विभाजित किया गया था सबसे पहले तो देखो शासक का प्रमुख राजा हुआ करता था राजत्व का देवीकरण यानी कि राजत्व का देवीकरण ये लोग खुद को देवता के अकॉर्डिंग मानते थे कि हमको देवताओं ने भेजा है तुम लोगों की रक्षा करने के लिए गुप्तकालीन प्रमुख मंत्री कुमार मात कहते थे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को ठीक है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त साम्राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को जो है कुमारा मात्य बोलते थे ठीक है ये चीज यहां से भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं तो इसको आपको रटना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा रटना पड़ेगा फिर युद्ध एवं न्याय का सर्वोच्च अधिकारी पूछे तो महादंड नायक बोलते हैं क्या बोलते हैं महादंड नायक बोलते हैं अगर पूछे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी तो दंड पाशिक बोलते थे शांति एवं वैदेशिक नीति का सर्वोच्च अधिकारी आपके महासिंध विग्रह बोलते थे सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत और दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी अग्रहारिक बोलते थे क्या बोलते थे दान विभाग के सर्वोच्च अधिकारी जो है, होते हैं अग्रहारिक होते हैं यहां से भी आपके क्वेश्चंस कुछ थोड़े बहुत आने की संभावनाएं होती हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में उस टाइम की समाज की व्यवस्था कैसी थी क्या चीज उस टाइम की समाज की व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिए उस टाइम जो है वन व्यवस्था का प्रचलन था क्यों क्योंकि आपको तो पता है वर्ण व्यवस्था जो है आपके गुप्त कालीन में ही मतलब कि उत्तर वैदिक काल से ही जो है धीरे धीरे आ गया वर्ण व्यवस्था उसी में अडिग हो जाता है रिजिड हो जाता है उसके बाद जितने भी काल आते हैं तो वर्ण व्यवस्था रहता ही है थोड़ा बहुत तो यहाँ पे देखो जन्म व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आ गई फाहियान ने चांडाल का उल्लेख किया है फाहियान जो चीनी यात्री फाहियान आते हैं उनके द्वारा जो बुक लिखा जाता है उसमें उन्होंने पृश्यता अपृष्यता को लेके थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं उनका कहना था वो अपने बुक में लिखे हैं कि जब भी गुप्त साम्राज्य में चांडाल जिस रास्ता से जाते थे ठीक है चांडाल जिस रास्ता से जाते थे उस रास्ता में वहाँ की छाया भी अपने पे पड़ने नहीं देता था तो इसे पता चलता है कि अपृष्यता का वहाँ पे जो है चीजें थी फिर आपका देखिए शूद्रों की स्थिति में उस टाइम ब्राह्मणों को ग्रामोदान जो है ब्राह्मणों को दान दिया जाता था शूद्रों की स्थिति में सुधार हुई थी नारद स्मृति से पंद्रह प्रकार के दासों की सूची मिलती है स्त्रियों की स्थिति देखो पुराण देखो स्त्री से संबंधित क्वेश्चन आता है कि गुप्तकालीन जो साम्राज्य थी उसमें स्त्री की स्थिति में क्या चीज थी ध्यान में रखना पुराणों को सुनने का अधिकार था ठीक है गुप्तकालीन जो साम्राज्य था उसमें स्त्री को पुराण जो अठारह पुराण है उसको सुनने की अनुमति थी पर्दा प्रथा भी था सती प्रथा भी था ठीक है बाल विवाह भी, भी था ठीक है ये ध्यान में रखना है दयनीय स्थिति स्त्री पुरुष निजी संपत्ति देखो अब क्या दे दैनीय स्त्री की दयनीय स्थिति थी क्यों भाई क्योंकि स्त्री को पुरुष निजी संपत्ति मानते थे क्या मानते थे यह एक संपत्ति है समझ रहे हो स्त्री को गुप्तकालीन व्यवस्था में एक संपत्ति का दर्जा दिया गया था कि आप मेरी निजी संपत्ति हैं जिस प्रकार से कि मेरी ये जो कागज है आपकी समझ रहे ये जो कागज है ये पैसा मान लीजिए ये मेरी संपत्ति है हम इसको जहां चाहे कुछ भी कर सकते हैं हम जैसे चाहे इसका यूज कर सकते हैं उसी तरह से स्त्री को संपत्ति माना जाता था कितनी विडंबना की बात है देवदासी प्रथा थी क्या चीज देवदासी प्रथा भी थी कहाँ पे गुप्त साम्राज्य में कहाँ पे गुप्तकालीन की समाज की स्थिति ऐसी थी फिर आगे देखिए गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी भू राजस्व कुल उत्पादन का एक बटे चार भाग वसूला जाता था कभी कभी एक बट मतलब एक वटे चार भाग से एक बटे छह भाग तक गुप्त काल में बालात श्रम विष्टि राज्य के लिए आय एक स्रोत माना जाता था इसे जनता द्वारा दिया जाने वाले कर भी माना ठीक है बालात श्रम भी था इसमें ठीक है आर्थिक उपयोग योग्यता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी देखो क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि को क्या बोलते थे क्षेत्र बोलते थे वास करने योग्य जहाँ पे आवास जहाँ पे हम लोग अपना घर वगैरह बनाते थे वैसी भूमि को हम लोग वास्तु बोलते थे जिस भूमि में हम लोग कृषि करते थे उसको गुप्तकालीन साम्राज्य में क्षेत्र का दर्जा दिया गया था क्या चीज का क्षेत्र का फिर देखो वास करने योग्य भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं वास्तु बोलते थे क्या बोलते थे।, थे वास्तु बोलते थे फिर देखो पशुओं का जो चारा करने की जो भूमि होती थी जहां पे सिर्फ पशु के द्वारा के लिए चारा का की गई थी उसको हम लोग चारागाह भूमि बोलते थे ऐसी भूमि जो जोतने योग, जो बंजर भूमि रहती थी उसको शिल कहा जाता था ऐसी भूमि जो जंगल होता था जहां पे जंगल होता था उसको अपरत बोलते थे ये सारे जो आपके भूमि को डिवीजन किया गया था डिवाइड किया गया था ठीक है फिर आपका नेक्स्ट देखिए आपका सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता जिस प्रकार से आप देख सकते हैं हल वगैरह की श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठ कहा जाता था गुप्त काल में उज्जैन सार्वधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल में सार्वधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था तो उज्जैन था क्या था भाई तो उज्जैन था ठीक है तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त काल में सार्वधिक जो है व्यापारिक केंद्र होता है ना सभी जो है व्यापारिक केंद्र क्या होता था तो ध्यान में रखना है उज्जैन गुप्त राजाओं ने सार्वधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की इनकी स्वर्ण मुद्राओं को दिन अभिलेखों में दीनार कहा गया है ठीक है देखो स्वर्ण सिक्कों का सबसे ज्यादा ढलान जो है किसके शासन काल में देखो एक चीज ध्यान में रखना अब देखो अदे, न, क्या है सभी लोग कहाँ चले गए सभी लोग सो रहे हैं सभी लोग जो है खाना खा रहे हैं अपनी अपनी काम में व्यस्त हैं सबसे बड़ी बात है इसीलिए अगर वैकेंसी आती है मतलब कि क्या होता है फॉर्म भरते हैं सारे चार लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं सारे सात लाख स्टूडेंट होता किसका किसका है तेईस सौ चौबीस सौ पच्चीस सौ वही लोग का होता है जो कंसस होकर पढ़ते हैं बाकी जो सिर्फ देख लेते हैं हाँ भाई देख लिए चलो ए बोरिंग चीज है हटो यार अरे बोरिंग नहीं है यहीं से क्वेश्चन आता है ज्यादातर बोरिंग चैप्टर से ही क्वेश्चन बनता है समझ गए हर एक टॉपिक को जो है इंटरेस्टिंग बना के आपको पढ़ना पड़ेगा सभी टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है आपको अभी बोरिंग लग रही है जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में यहां से क्वेश्चन आएंगे ना तब आप रोइेगा रोने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा इसीलिए कंसस होके पढ़िए ठीक है चलो ठीक है देख रहे हो अच्छी बात है अब देखो गुप्त काल में ध्यान में रखना गुप्त ध्यान में रखना है गुप्त काल में गुप्त काल में जो है सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण सिक्के का ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण मुद्राएं का ढलान होता है सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलती है ठीक है स्वर्ण मुद्राएं जो है देखने को मिलती हैं यह चीज देखना है पहला नंबर ठीक है ये देखना है दूसरा में देखना है कि गुप्त काल में ही जो शासक अश्कंद गुप्त होते हैं मोबाइल गुम हो जाने के बाद में मैं देख रहा हूं दूसरे के मोबाइल अच्छी बात है भाई आपका सिलेक्शन होगा देखो सबसे पहले उसके बाद कौन से आते हैं अश्कंद गुप्त आते हैं कौन आते हैं अश्कंद गुप्त आते हैं अश्कंद गुप्त ने क्या इसके सिक्के में सिक्के में मिलावट आने लगी क्या चीज में सिक्के में मिलावट आने लगी अगर सोना का सिक्का का ढलाता था तो उसमें जो है तामा का यूज होने लगा कांसा का यूज इसमें सक... ठीक है तो सिक्के में मिलावट आपका अस्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ सबसे और दूसरी बात जो है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं जो ढाली जाती थी उस मुद्राएं को यानी कि स्वर्ण मुद्राएं को ध्यान में रखना है स्वर्ण मुद्राएं को जो है दिनार कहा जाता था क्या कहा जाता था दिनार कहा जाता था ठीक है ये गुप्त राजाओं में शारदिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जाती थी इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में ठीक है इसको जो है अभिलेखों में क्या चीज में अभिलेखों में जो है सोने के सिक्के को दिनार नाम से डिनोट किया जाता था ठीक है <coughs> अच्छी बात है <coughs> जो जो सारी लूसेंट की क्लास अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा हम गारंटी देते हैं आप 80 परसेंट क्वेश्चन बनाइएगा 80 से 85 परसेंट ठीक है पढ़ लो एक बात देखो बताते हैं प्रेशर टीचर जो होते हैं ना वो टाइम पास नहीं करते हैं वो अभी खुद की पहचान बनाने के लिए जी जोर मेहनत करता है समझ गए ईमानदारी से पढ़ाता है क्योंकि अभी हमको जो है मेहनत आपके प्रति करना है ठीक है तो इसीलिए ये मत सोचना कि अरे यार इसका तो एग्जाम निकला नहीं होगा हम क्या इससे पढ़ेंगे नहीं पढ़ने की कोशिश सदा करो क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है एनर्जेटिक चीजें बताएगी और ज्यादा वो मॉडर्न चीज को देखते रहती है क्वेश्चंस के पैटर्न को हमेशा देखती है क्योंकि वो खुद एक एग्जाम दे रही है और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए सेटअप करता है कि नहीं इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ठीक है इसीलिए कोई भी फ्रेशर टीचर हो कोई भी ठीक है बात को समझना है आगे देखिए क्या है अब देखो गुप्तकालीन धर्म जो था क्या चीज है गुप्तकालीन धर्म वगैरह जो है उसमें क्या था राजकीय धर्म यानी कि वैष्णव था कौन से धर्म को ये लोग अपनाते थे वैष्णव धर्म को अपनाते थे फिर देखिए राजकीय चिन्ह गरुड़ हुआ करता था भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार उस टाइम वराह मानते थे त्रिमूर्ति भगवान की पूजा होती देख रहे हैं त्रिमूर्ति भगवान है भगवान विष्णु है ये सब गरुड़ है ये सारे देवता थे ठीक है उस टाइम के गुप्तकालीन साम्राज्य के ठीक है देखो हम सही बताते हैं अब देखो गुप्तकालीन साहित्य साहित्य के लिए भी स्वर्ण युग बोला जाता है क्योंकि भाई इनके खुद दरबार में नवरत्न होते थे जब इनके दरबार में नवरत्न होते थे उन्होंने तो बहुत सारे साहित्य की रचना की इसीलिए साहित्य का भी स्वर्ण युग सु का भी युग बोला गया है ठीक है बहुत सारे साहित्य जो है इसी काल में देखने को मिलते हैं इसीलिए इतिहासकार इस पीरियड को गोल्डन पीरियड का दर्जा देता है ठीक है देखो सबसे पहले शुद्रक सुद्रक का लिखा नाटक क्या है मृक्षकटिकम ध्यान में रखना डे एग्जाम में अगर आपसे पूछे मृक्ष कटिकम किसके द्वारा लिखा गया है सुद्रक के द्वारा किसके द्वारा सुद्रक के द्वारा मच्छी, का अर्थ क्या होता है माटी का खिलौना या गाड़ी क्या होता है माटी का खिलौना या गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ का प्रेम वर्णित है समझ रहे हैं प्रेम उसी तरह वसी ज... मोहब्बत मोहब्बत उसी टाइम से आ रहा है प्रेम उसी टाइम से आ रहा है आप मृक्ष कटिकम एक प्रेम की कहानी है अभिज्ञान शकुंतलम एक प्रेम की कहानी है ठीक है ये चीज ध्यान में रखना है समझ गए प्रशांत जी सुद्रक जो है मृक्ष कटिकम के द्वारा लिखा गया है मृक्ष कटिकम का अर्थ माटी का खिलौना होता है और जिसमें निर्धन ब्राह्मण जो एक पुअर ब्राह्मण होता है वो पुअर ब्राह्मण जो है एक वेश्या से प्रेम करती है और उसी को जो है उसी के व्यथा पे ये आधारित है वृक्ष का आधारित है उसी के कहानी पे प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है इसको जो है प्रमुख नाटक का भी दर्जा दिया गया है ठीक है ध्यान में रखना के द्वारा लिखा गया है डीपली अगर पूछेगा तो पूछेगा तो कि के मृक्ष कटिकम जो लिखा गया है उसमें क्या चीजों का वर्णन किया गया है किस नाटक पे आधारित है तो ध्यान में रखना कि एक गरीब ब्राह्मण को एक वेश्या से प्रेम की पूरी कहानी इसमें वर्णित है देख रहे हैं मृक्ष कटिकम फिर आपका देखिए फिर आपका देखिए कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है विश्व की एक सौ उत्कृष्टतम साहित्य कृतियां में से एक है समझ जाओ विश्व की सौ साहित्य में से एक है कौन अभिज्ञान शकुंतलम में इसमें राजा राजा दुष्यंत दुष्यंत कौन है राजा सकुंतला के प्रेम की कथा चित्रित है यह भी देखो आपके प्रेम से ही संबंधित है राजा दुष्यंत जो शकुंतला नामक एक लड़की से एक महिला से जो प्रेम करती है उसी प्रेम की कहानी आपके कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा है ठीक है तो ये सारे पुत्र जिनका पुत्र भारत प्रसिद्ध राजा हुआ जिसका प्रसिद्ध जो है भारत का पुत्र राजा दुष्यंत का जो है पुत्र है वो भारत का प्रसिद्ध राजा हुआ ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है उसी के नाम पे हमारा भारत का भी देश भारत पड़ता है अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है और ऐसी दूसरी रचना भागवत गीता है और भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है कि ये सभी नाटक सुखांत है दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता है ठीक है तो ये सारी चीजें बताना है कि कालीदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखे हैं और इसमें जो है राजा दुष्यंत और जो है महिलाएं शकुंतला की प्रेम की कहानी है ठीक है ये जो है उसमें लिखा गया है ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है और ये अभी आप, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद कौन किया था अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद कौन किया था और भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद कौन किया था ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे ये गुप्तकालीन साम्राज्य से संबंधित है निम्न वर्ग के लोग जो क्या बोलते हैं निम्न वर्गों के लोग भिन्न भी बहुत तरह की भाषाएं बोलती थी लेकिन उच्च वर्ग के जो वो लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे जो कि संस्कृत भाषा जो है आपकी सबसे आपकी प्राचीन भाषा है क्या है सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत जो है आपकी इसको जो है आपको शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है यह एक आपकी शास्त्रीय भाषा भी है ठीक है और ठीक है और शास्त्रीय भाषा की आपकी संख्या छः है जिसमें आपका कन्नड़ है मलयालम है तेलुगु है तमिल है संस्कृत है ठीक है आगे देखिए बुद्ध घो अब देखो बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्ध विशुद्धि है जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्ध सेन का यह सब लिखा गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर भी अनेक ग्रंथ की रचना हुई है जिसमें महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था कौन असंग के द्वारा लिखा गया है वर्ष ये सारा चीज है तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है चलो नेक्स्ट देखते हैं धुआं <laughs> धुआं गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र किस किसमें है संस्कृत में है तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है तो विष्णु शर्मा के द्वारा तो इसमें क्या लिखा यह संस्कृत भाषा में है किस भाषा में है संस्कृत भाषा में ध्यान में रखना यह किन के द्वारा लिखा गया है तो विष्णु शर्मा के द्वारा किसके द्वारा विष्णु शर्मा के द्वारा अगर आपसे पूछे इसकी भाषा क्या है तो इसकी भाषा आपका संस्कृत है भाषा इसका क्या है संस्कृत है को संसार का सार्वधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है इसे पांच भागों में बांटा गया है, है। पंचतंत्र जो है ये सार्वधिक सार्वधिक प्रचलित प्रचलित ग्रंथ है ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना बाइबिल के बाद इसी का नंबर है फिर आपका देखिए ठीक है इसी को पांच भागों में डिवीज़न किया गया है मित्रवेद मित्रलाभ मित्र लाभ संधि विग्रह लब्ध प्रणान ठीक है और आप, आपका छाकारित्व ठीक है यह चीज ध्यान में रखना तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है ठीक है संस्कृत हाँ संस्कृत भाषा में आपका पंचतंत्र लिखा गया है और यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है चलिए नेक्स्ट आपका देखिए नाटक देखिए अभिज्ञान शकुंतला किनके द्वारा कालिदास के द्वारा किसकी प्रेम की कहानी है दुष्यंत राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा समझ में गए फिर आपका देखिए फिर आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है माल माल विक विक अग्नि मित्र ये जो है अग्नि मित्र और मालविका की प्रेम की कथा पे आधारित है कालिदास खुद भी प्रेम करते थे और उन्होंने दो तीन राजाओं के प्रेम की कहानी लिखा है जिसका पवित्र प्यार था ठीक है फिर आपका देखिए, फिर आपका मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है ठीक है देखो फिर देखो यहाँ पे विक्रम मोवर्षियम यह भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है सम्राट पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम की कहानी है ठीक है फिर आपका देखिए मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है ठीक है एक बात ध्यान में रखना विशाखा दत्त ठीक है मुद्रा राक्षस के द्वारा जो विशाखा दत्त यानी कि मुद्रा राक्षस नाटक है इसके नाटककार विशाखा दत्त है इसमें मौर्य एम्पायर के बारे में चर्चा है फिर देखिए मृक्ष कटिकम किसका शूद्र का है, इसमें क्या लिखे हैं नायिका वसंत सेना ब्राह्मण जी एक ब्राह्मण होते हैं गरीब ब्राह्मण होते हैं जो एक किससे से प्रेम करती है उसी के जीवन पर आधारित ये लिखा हुआ है फिर देखिए फिर तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखना है यहाँ से आपको आता है है ठीक फिर आगे देखिए फिर आगे देखिए गुप्तकालीन वास्तुकला ठीक है आर्किटेक्चर के बारे में है तो यहाँ पे देखिए अजंता में निर्मित कुल उन्तीस गुफाएं वर्तमान में केवल छह ही शेष बचा हुआ है जो कि आपके गुप्तकालीन साम्राज्य में बनाया गया था ठीक है ये चीज आपको एक मिनट ठीक है फिर आपका देखिए फिर आपका यहाँ पे दिया गया है इसमें गुफा की संख्या 16 में उत्कीन ये सब राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है ठीक है ये भी प्रशंसनीय राजकुमारी का चित्र है गुप्त संख्या इतना ये सारा अजंता की अब देखो जो आपसे क्वेश्चन से, से पूछेगा कि अजंता की गुफाएं जो अजंता की गुफाएं जो निर्मित हुई है ये किस साम्राज्य से संबंधित है गुप्त से मौर्य से ठीक है तो ध्यान में रखना मौर्य साम्राज्य से संबंधित है किससे ये जो है आपके मौर्य ये सॉरी सा, गुप्त साम्राज्य से संबंधित है गुप्त कालीन साम्राज्य से संबंधित है और आपसे अगर पूछे कि अजंता की गुफाएं में क्या है तुम तो बौद्धयान बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है किससे बौद्ध धर्म की महायान शाखा से यह संबंधित है और एक बात ध्यान में रखना कि अजंता की गुफाएं जो है आपको यूनेस्को ने इसको अपने धरोहर में शामिल कर लिया है ठीक है तो अजंता की गुफाएं को जो है अपनी विरासत को बचाने के लिए यूनेस्को ने इसको अपने धरोहर में शामिल कर लिया है ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है अगर डीपली पूछेगा कि यह बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है तो महायान आपको पता है कि चतुर्थ तो बौद्ध संगीतियां जो कनिष्क के कार्यकाल में कश्मीर में हुई थी उसमें बौद्ध जो संगीत बौद्ध धर्म जो है दो भाग में विभाजित हो गया एक हीनयान एक महायान तो अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से जो संबंधित है उसमें जो है आपके किस शाखा से बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है कौन से महायान शाखा शाखा से संबंधित है ठीक है और ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है ठीक है ये ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप देखिए कि गुप्त काल में निर्मित बाघ की गुफाएं जो बाघ जिला जो है आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है फिर देखिए मंदिर बनाने अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो आप लोग मंदिर देखते हैं जो आपके गुबंध नुमा जो मंदिर बने हुए हैं अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मंदिर बनने की कला सबसे पहले कहां पे आई तो ध्यान में रखना है मंदिर बनने की कला का जन्म आपका गुप्त काल में हुआ है किसमें हुआ है गुप्त काल में हुआ है ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल बनाने की आर्ट आपको कहां से आई है गुप्त काल से संबंधित है क्योंकि आपको पता है कि गुप्त काल के जो लोग थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे विष्णु को मानते थे गणुड़ को मानते थे त्रिदेवता को मानते थे और हम लोग जो मंदिर की आर्ट आज बनाते हैं वो आपके गुप्त काल से ही संबंधित है किससे गुप्त काल से संबंधित है ठीक है ये चीज आपको क्या करना है ध्यान में रखना है फिर आपका देखिए गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखिए गुप्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी थी क्योंकि इसीलिए तो साहित्य भी यहाँ पे बहुत अच्छी थी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी थी आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छे थे इसीलिए हम लोग गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल का दर्जा देते हैं किस चीज को स्वर्ण काल को आप देखते हैं आर्यभट्ट का नाम सुने हैं आर्यभट्ट का नाम सुने हैं आपको पता है बिहार से वो ठीक है ध्यान में रखना आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम आर्यभट्टियम इनके उनके अन्य ग्रंथ द, दश गीतिक सूत्र और आर्य आर्यटतक ये सारे जो है आपके गुप्त साम्राज्य से संबंधित है आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले पृथ्वी को गोल किसने बताया मेरे दोस्त आर्यभट्ट ने बताया है आर्यभट्ट और उसकी परिधि का अनुमान किया है किसका उनकी परिधि का अनुमान किया है आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की भी विवेचना की है आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सर्वथा नई देन थी ठीक है ये भी आपके

लीन साम्राज्य में ही पता चलता है कि पृथ्वी गोल है दशमलव प्रणाली के बारे में इन्होंने बताया ठीक है इन्होंने शून्य के बारे में बताया तो कहुआ ना स्वर्णकाल इसीलिए हम लोग गुप्त साम्राज्य को स्वर्णकाल बोलते हैं क्योंकि गुप्त साम्राज्य में नई नई टेक्नोलॉजी आती है क्या की आती है नई नई टेक्नोलॉजी आती है ठीक है नेक्स्ट आप देखिए फिर देखिए वारह मिहिर आते हैं आर्यभट्ट के बाद दूसरा प्रसिद्ध गुप्त गुप्तकालीन गणितज्ञ होते हैं जिन्होंने ज्योतिषी विद्या लेके आया कौन सी ज्योतिषी विद्या लेके आया उनके छह ग्रंथ उल्लेखनीय है पंत पंथ सिद्धांतिका विवाह पटल योग माया वृष संगीता वृह जातक और आपका लघु जातक ये सब आपके वारह मिहिर से संबंधित है फिर आपके ब्रह्मगुप्त आते हैं ब्रह्मगुप्त भी गुप्त गुप्त कालीन गणितज्ञ थे बहुत बड़े जो है मैथमेटिशियन थे ये सारे आपके कब आते हैं गुप्त कालीन में आते उन्होंने ब्रह्म अस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की भी रचना की थी ठीक है तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है ध्यान में रखना है फिर आप देखिए चिकित्सा चिकित्सा से भी संबंधित बहुत सारी चीजें आई है धनवंतरी जो आपके आयुर्वेद

रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान वेता नागार्जुन ध्यान में रखना नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के महान विद्वान थे ये भी आपके गुप्तकालीन गुप्त काल के दरबार में रहते हैं यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं ठीक है ये चीज आपको क्या करना है समझना है तो आज हम लोग गुप्ता पीरियड पूरी तरह से पढ़ लिए आज हम लोग जो है आपको गुप्ता पीरियड क्या चीज गुप्ता पीरियड जो है हम लोग पूरी तरह से आज हम लोग ध्यान में रखना है गुप्त गुप्त साम्राज्य <coughs> गुप्त साम्राज्य जो है हम आज समाप्त किए क्या किए आज हम जो है आपको हैं आपको समाप्त कर दिए हैं समाप्त किए एक ही क्लास में एक ही क्लास में एक क्लास में ठीक है और हम जो है पूरा डिटेल्स डिस्कशन किए इसके गुप्तकालीन के जो मेन संस्थापक थे इसके हमने संस्थापक के बारे में पढ़ा ठीक है इसके जो महान महान राजा थे इनके जो महान महान इसके जो महान महान शासक थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया उसके बाद क्या अध्ययन किया हम लोगों ने यहाँ की जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में प्रशासनिक प्रसाशनिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया ठीक है यहाँ के सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया क्या चीज के बारे में सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ की जो है हम लोगों ने धार्मिक व्यवस्था के बारे में क्या चीज धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया क्या चीज धार्मिक व्यवस्था के भी बारे में चर्चा किया इसमें जो है आपके स्त्री की स्थिति स्त्री की स्थिति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया स्थिति के बारे में चर्चा किया यहाँ पे जो है नवरत्न जो हुआ करते थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया नवरत्न के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आई थी टेक्नोलॉजी ठीक है टेक्नोलॉजी जो आई थी उसके बारे में ने, हम लोगों ने चर्चा किया यानी कि ओवरऑल हमने गुप्त साम्राज्य के सारी चीजों को हमने चर्चा कर किया सबसे ज्यादा जो है गुप्त साम्राज्य में ही उपाधियां मिलती है किसको राजा को और आज जो है हम लोग मेन मेन उपाधि के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया तो आज हम लोग जो है पूरे गुप्त यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का डिटेल्स डिस्कशन किया और अब जो है हम लोग कल थोड़ा बहुत आपका प्राचीन इतिहास का कुछ टॉपिक बचा होगा उसको देखेंगे फिर हम लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री की ओर प्रस्थान करेंगे आई थिंक आपको सेसन अच्छा लगा होगा मज़ा आया होगा हम लोगों ने हम हर टॉपिक को छूने का प्रयास किया हर टॉपिक को एक अच्छे से रिवीजन करवाने का एक अच्छे से समझाने का प्रयास किया चलो ठीक है चलो ठीक है और अब प्रशांत को ही अच्छा लगा कि और सबको भी अच्छा लगा भाई एक ही लड़का को अच्छा लगा या एक ही स्टूडेंट को अच्छा लगा यानी कि जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े थे वो सारे सेटिस्फाई हुए या नहीं सभी को अच्छा लगा क्योंकि मेजोरिटी से कुछ भी बनती है आपके लोकसभा में मेजोरिटी से सरकार बनती है क्या समझे अगर एक हम बोल रहे हैं कि हाँ चलो हमको ये अच्छा लग रहा है अच्छा लग तो नहीं ओवरऑल मेजोरिटी जिसकी होती है वो लगता है कि हाँ हमको आपकी क्लास अच्छी लगी हम आपकी क्लास सेटिस्फाई है हम आपकी क्लास आगे निरंतर करेंगे और ये जो है इस तरह से आप पढ़िएगा तो आपको जो है सफलता क्या चीज़ सफलता जो है सफलता आपको जो है हंड्रेड परसेंट मिलेगी हंड्रेड परसेंट मिलेगी इसमें जो है आप हम तो आपको यानी कि मेरे साथ क्या चीज मेरे साथ जो है आपको आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा क्या चीज आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा ठीक है ये चीज आपको मेहनत करना पड़ेगा फिर आपको जो है सफलता से कोई नहीं रोक सकता है क्या चीज सफलता से कोई नहीं रोक सकता है अगर हम छे घंटा पढ़ते हैं तो आपको सात घंटा पढ़ना पड़ेगा ठीक है लगातार पढ़ना है और सबका एक ही टॉनिक है और वो है आपका रिवीजन वो है आपका रिवीजन रिवीजन बार बार कीजिए इसीलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास की भी व्यवस्था की गई है लुसेंट की बुक लुसेंट की बुक आप लोग सभी के पास होगा और लुसेंट की बुक से लगातार रिवीजन कीजिए और उसे समझिए कि आखिर मैम कैसे पढ़ा रही थी इसमें क्या चीज़ें हमको कहाँ चीज नहीं समझ में आ रहा है फिर तुरंत से वीडियो देख के उसको दिखना है ठीक है चलो तो हम जो है अपनी क्लास को आज खत्म करते हैं कल फिर जो है कल से आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी आ... <laughs> अरे ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें जो है हमसे भी आपको समझ में नहीं आएगा बहुत अच्छा क्लास लगी हमें चलो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू थैंक यू प्रशांत थैंक यू और कौन है नेहा आ, सिन्हा आई थिंक यू आर गर्ल आप लड़की हो ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और चलिए तो ठीक है तो लुसेंट का मैम उसमें से भी आ, मैंने टॉपिक पढ़ाइएगा हाँ पढ़ाएंगे लुसेंट का चलो ठीक है अब जो है आ, कल हम फिर आपकी क्लास को निरंतर करेंगे अभी अब थक गए हैं क्लास को एंड करते हैं ओके बाय बाय थैंक यू पढ़िएगा रिवीजन कीजिए खूब रिवीजन कीजिए खूब मेहनत कीजिए आगामी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और आपकी सफलता को यही मेहनत सुनिश्चित करेगी बाकी थैंक यू